हेलो गाइस, फिर से स्वागत है गाइस आपका दुगल फैमिली व्लॉग में। और ये देखो आधी सुबह सुबह तैयार होके अपने घर जा रहा है। सुबह के 7:15 हो चुके हैं और इसको लेके जाएंगे। जो मेरे भाई के फ्रेंड है ना, जो हमारे पास में रहते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे ड्यूटी पे अपनी, तो वो लेके जाएंगे। वो ही लेके आए थे इसको, उन्हीं के साथ जाएगा अभी ये। और बस हिमांशु भी चला गया, उसका स्कूल का एग्जाम था। और ये नन्ना महाराजा नन्ने और माई फ्रेंड गणेशा, इसका भी आज हिंदी का एग्जाम है। बोल क्या बोलूं, इसको ऑल द बेस्ट बोलना। बोल गाइस, इसको ऑल द बेस्ट बोलना। पास हो जाए, थोड़ा पतला हो जाए ये। तो गाइस अभी चलते हैं बस शादी को छोड़ने के लिए। तेरा दिल करा जाने के लिए, फिर जा किधर? गाइस मुझे जाना पड़ेगा, पर बुलेट से बोला बस। चलो गाइस कोई नहीं, फिर आएगा ये। अभी इसको कुछ काम है इसलिए जाएगा। और ये गैलेक्सी मैडम को देखो, देख गैलेक्सी, देख देख कैसे चल रही है। चलो गाइस बाद में मिलते हैं हम आपसे, बाय बाय। तो गाइस देखिए अब हम जा रहे हैं आदि को छोड़ने के लिए। कैसा लगा तुझे आ रहा? अरे कैसा लग रहा गाइस, बहुत बुरा लग रहा है, बट मुझे कुछ काम है तो जाना पड़ेगा। और हमारा दिल भी नहीं लगेगा। हाँ कोई बात नहीं गाइस, जल्द आऊंगा। जल्दी आएगा शाहरुख खान। गाइस हमारे यहाँ ये देखिए रेड लाइट भी लग चुकी है, पहले नहीं थी यहाँ पे, अब लगी है। ट्रैफिक काफी रहता है ना इसलिए। तो देखिए जी मैं घर आ चुकी हूँ और पनीर लाई हूँ। शाम को डिनर में बनेगा फ्रेश क्रीम, टमाटो प्यूरी। शाम को पनीर की सब्जी बनेगी। दूध भी ले आई हूँ मैं। तो चलो गाइस बच्चों को उठाते, उनको देते नाश्ता। तो फ्रेंड बज चुके हैं, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं रसोई में आई हूँ। रसोई में बना रही हूँ मैं चाय, और चाय के साथ ये फ्राई करूँगी। ये मेरी मम्मी ने भेज रखे है, जो वो फ्राई करती हूँ। और इधर मैंने तेल रख दिया है, इधर बन रही है चाय। तो चलो गाइस मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में, पहले चाय बना लेती हूँ। तो गाइस देखिए ये मैंने फ्राइज और चाय बना ली है, अब लेते हैं इनका मज़ा। तो फ्रेंड्स अब मैं बना रही पनीर की भुजरी। देखिए मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटो प्यूरी है, फ्रेश क्रीम है, ये पनीर है, प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, थोड़ा अदर अदर पीसा है, और ये 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च को भी मैंने हैंड चॉपर में ही चॉप कर लिया था। और इधर मैंने तेल रख दिया है, मैंने वही तेल इसी कढ़ाई में थोड़ा और तेल डाल दिया जिसमें मैंने अभी चाय के साथ फ्राइज बनाए थे ना, उसी में। तो चलो बनाते हैं। तो पहले हम डाल देंगे जीरा, तेल गर्म हो चुका है। इसके बाद हम प्याज डाल देंगे, जीरा थोड़ा तड़क जाए फिर प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज डाल देंगे, प्याज को भी थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे।
गाइस देखिए प्याज के बस इतना ही थोड़ा सा फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं करेंगे। और अब इसमें मैं हींग डाल दूँगी। हींग डालने के बाद अब इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच। और इसको जो अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसके कच्चे बन के नहीं अपना खुली है, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। बच्चे खुश हो गए खाते, सबको बहुत पसंद है पनीर की टिक्की। तो गाइस कमेंट में जरूर लिखना किस चीज़ को पसंद है। तो फ्रेंड्स देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे पिसा हुआ। हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर पानी टमाटर का पानी ना छूट जाए या तेल ना छोड़ दे। अभी मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इन सबको पानी डाल के पेस्ट टमाटर भी भून गए हैं अच्छे से। इन्होंने पेस्ट छोड़ दिया देखो। अब हम इसमें जो हमने मिर्च मसाले तैयार किए थे पानी में घोल के वो डाल देंगे। मिर्च मसाले आप अपनी सब्जी के हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, कोई तेज खाता है कोई कम खाता है, हमारे में थोड़ा तेज खाते हैं मिर्च मसाले। मसाले को भी अब अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। गाइस ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया, फिर इसमें थोड़ा सा टमाटो प्यूरी डाल देंगे। अभी थोड़ा सा और भून लेंगे इनको और तेल छोड़ने देंगे मसालों को, फिर इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो देखिए ये मसालों ने तेल छोड़ दिया, अच्छे से भून चुके हैं मसाले। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद अच्छे से थोड़ी देर हम मसालों को चलाएंगे क्रीम के साथ। थोड़ी देर चम्मच से ऐसे ही लाते रहेंगे, अच्छे से भुन जाएगी, ये भी तेल छोड़ देगी। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप दूध भी डाल सकते हैं, दूध से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने बनाया हुआ दूध से भी, क्रीम की जगह दूध डाल के 1/2 कप, बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारी ग्रेवी कितने अच्छे से पक्के तैयार हुई है। देखो तेल छोड़ना शुरू कर दिया ग्रेवी में, एकदम क्रीमी क्रीमी है देखिए। अब हम इसमें पनीर को मैश करके डाल देंगे। बस हमारा पनीर की भुजिया रेडी है बनके। बस 5 मिनट इसको अच्छे से हम पका लेते हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन के तैयार होती है, टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे ही आता है। एक बार बना के जरूर देखना। ये
ये देखिए जी, बन के रेडी हो चुकी हमारी पनीर की भुजिया। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कसूरी मेथी और फ्रेश हरा धनिया। ये देखिए लग रही है ना टेस्टी। और अब हम इसको ढक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टेस्टी लग रही है ना देखने में, बहुत अच्छी बनती है। एक बार ऐसे अब बड़ा आसानी तरीका आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है इस। तो फ्रेंड्स मैंने शाम का डिनर रेडी कर दिया है। रोटियां जब बनाऊंगी, जब ये खाएंगे गरम गरम, तब ये अच्छी लगती है। पनीर की भुजिया गाइस बहुत टेस्टी बनी है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। और किस किस को पसंद है ये जरूर बताना। और ये देखिए गैलेक्सी मैडम आ गई, फिर भाग गई। तो देखिए गाइस, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। मुझे मीशो से 2 पार्सल रिसीव हुए थे, शॉर्ट में तो देख लिए होंगे आपने, ब्लॉग में भी दिखाई देती हूँ मैं। और देखिए मैं भी दिखाती हूँ आपको, ये चूड़ा राजस्थानी चूड़ा, ये मीशो पे ना महासेल चली हुई है, वहाँ से मैंने मंगाया था। और ये 3 फिंगर रिंग है, ये देखो बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने मंगाई है। देखो और ये पल्ली साइड से जो छोटी मम्मी है ना, वो कलकत्ता गई थी घूमने के लिए, वहाँ से देखो मेरे लिए कड़े लेके आई है। और ये सिंदूर है माता रानी का, देखो। और ये सोनिया के लिए लेके आई है कड़े, और ये मम्मी के लिए। और ये प्रसाद है वहाँ का, कलकत्ता का, काली माता का। तो गाइस कमेंट में बताना आपको ये मेरा राजस्थानी चूड़ा और फिंगर रिंग कैसी लगी।